हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड का बीच जो T20 मुकाबला खेला जाएगा फर्स्ट, उनके बारे में। ये खेला जाएगा इंडियन समय अनुसार 8:30 PM में, आज ही शाम को 8:30 बजे। जो आज ही शाम को 8:30 बजे जो मुकाबला होगा वो कैसा मुकाबला होगा, क्या बैटिंग पिच रहेगा या बॉलिंग पिच। अगर बैटिंग पिच रहेगा तो कौन सा बैट्समैन चलेगा और कौन सा बैट्समैन फ्लॉप्स होगा, और डर्म कार्ड यूनिक बैट्समैन के रूम में कौन रहेगा, यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन रहेगा, आपस में हेड टू हेड मुकाबला कितने खेले हैं और कितने कौन सा टीम जीते हैं, कितने कौन सा टीम हारे हैं, क्या स्ट्रॉन्ग कौन सा टीम है, कमज़ोर कौन सा टीम है, और हेड टू हेड के अपेक्षा में अपने टीम में किसे शामिल करना चाहिए, क्या बैट्समैन को ज़्यादा रखना चाहिए या बॉलर को। अगर बैट्समैन को रखना चाहिए तो कौन सा बैट्समैन जो अच्छे परफॉर्म कर सकता है और कौन सा बैट्समैन है जो फ्लॉप्स हो सकता है। अगर बैलेंस पिच रहेगा तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किस ऑलराउंडर को देना चाहिए ताकि आपको अच्छे खासे प्रॉफिट हो सके, अच्छे खासे प्रॉफिट मिलने के साथ साथ अच्छे प्रॉफिट के अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा आपका रैंक ऊपर आ सके। अगर बॉलिंग के फेवर में टीम बनाएंगे तो कौन सा बॉलर है जो हमेशा विकेट निकालता है और कौन सा बॉलर है जिसे विकेट नहीं मिलता है, डर्म कार्ड यूनिक बॉलर के रूम में कौन रहेगा, यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन रहेगा। चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्शन से बात करते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में मोहम्मद रिजवान जो कि ओपनर आएगा, ये पाकिस्तान की तरफ से खेलेगा और ये अच्छा खासा विकेट कीपरिंग के साथ साथ अच्छे खासे बैट्समैन है। इस टीम के खिलाफ खेले नहीं है लेकिन इस रन के मैच काफ़ी ज़बरदस्त है। टी शर्ट जो है खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है इस टीम के खिलाफ, लेकिन बैट्समैन की दृष्टि से काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद देखिए TOL, ये भी बैट्समैन की तरफ से अच्छा है। डर्म कार्ड यूनिक होगा, ये 4 नंबर में बैटिंग करने आएगा, साथ ही साथ विकेट कीपरिंग भी करेगा। इन्हें 3 बैट्समैन विकेट कीपर है, 3 विकेट कीपर में से आप लोग किसी को भी रख सकते हैं, चाहे आप लोग हेड टू हेड लीग या स्मॉल लीग मेगा GL का डिक्सी टीम जो भी टीम बनाते हैं तो आप उस टीम के आधार पर रख सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा सेव लेना चाहते हैं तो किसे रखना चाहिए, या 3 विकेट कीपर में से किसी को शामिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बैट्समैन सेक्शन में। बैट्समैन सेक्शन में यहाँ पर आ जाते हैं बाबर आजम ठीक ठाक प्रदर्शन करता है, अच्छे खासे हैं। पाकिस्तान को विराट कोहली माना जाता है, इस टीम के खिलाफ जब जब मुकाबले हुए हैं अच्छे खासे प्रदर्शन किए हैं। एम चैंपियन जो कि 2 नंबर में बैटिंग करेगा, लेकिन सिलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई है और इनके चलने का आज चांस नहीं है। ये हीटर बैट्समैन है, ज़्यादातर हीटिंग करने के चक्कर में ये आउट हो जाता है, अपने विकेट गंवा देता है। अब फोकर जमन का खास प्रदर्शन नहीं खेले हैं, इस टीम के खिलाफ जो है 3 नंबर में बैटिंग ऑर्डर है इस टीम के खिलाफ, लेकिन खास प्रदर्शन नहीं किया है, इस टीम के खिलाफ खेले भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं SUV जो कि अच्छे खासे प्रदर्शन के साथ साथ अच्छे खासे बॉलर है। KOL 3 नंबर में बैटिंग करेगा, रिसेंट के मैच में खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ये 5 बैट्समैन में से आप लोग किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छे खासे बैट्समैन के रूम में रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट जो है ये बैलेंस पिच है, गुड प्रोफेसर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 153 है। भैनू राव पैंडी क्रिकेट स्टेडियम रोम पैंडी में खेला जाएगा। जो ये स्टेडियम है, ये स्टेडियम ज़्यादातर बैलेंस है तो यहाँ पर रन के साथ साथ विकेट भी गिरता है। हाई स्कोर 150 बना है, लो स्कोर 100 पर ऑल आउट हो चुका है। ज़्यादातर स्कोर नहीं बनेगा इसलिए अपनी टीम बैलेंस के हिसाब से बनाइएगा। फिर भी दोनों टीम की अपेक्षा में और कौन कौन सा अच्छे बॉलर है ये बता देते हैं। एन जॉक्सन अच्छा खासा है, किसी भी टीम का अगेंस्ट प्रदर्शन कर सकता है। शताब खान अच्छे खासे प्रदर्शन करने के साथ साथ अच्छे खासे ऑलराउंडर भी है, बैटिंग ऑर्डर भी ठीक है, ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकता है। एम वेस्ट अच्छे खासे यूनिक के रूम में रहेगा, अच्छे खासे प्रदर्शन के साथ साथ अच्छे ऑलराउंडर है। उसके बाद देखिए इमाद असिम को खेलने का मौका मिलेगा, तो पाकिस्तान का स्पिनर है, ठीक ठाक है, डन कार्ड यूनिक के रूम में रहेगा। और ये सब 4 ऑलराउंडर में से आप लोग किसी ऑलराउंडर को भी ट्रैक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है
बॉलर सेक्शन में, बॉलर सेक्शन में इम्पोर्टेंट सबसे पिक रहने वाले हैं शाहीन शाह अफरीदी को, और उसके बाद के आयसन। इस टीम के खिलाफ खास विकेट नहीं मिल रहा है, फ्लॉप्स हुए हैं, लेकिन स्पिनर काफ़ी अच्छे हैं। मोहम्मद अमीर पेसर है, ठीक ठाक है, एक एक विकेट निकल जाएगा। नासुम ठीक ठाक है, करेगा, अच्छे खासे हैं। उसके बाद एम यूर अच्छे खासे हैं, डर्मकार्ड योनी और बी एस्टर अच्छा खासा है। चलिए मैं अपनी टीम में कौन सा बैट्समैन को रखूँगा और क्यों रखूँगा, कौन सा बॉलर को रखूँगा और क्यों रखूँगा, किस रीजन के रखूँगा, एक बी एसर खेलेगा, ये अच्छे खासे हैं। ये चार बॉलर ए अफरीदी खेलेगा तो अपनी टीम में जरूर रखेगा। आठ बॉलर में से आप लोग किसी को भी रख सकते हैं। चलिए मैं अपनी टीम किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहला देखिए मेरा जो है विकेट कीपर सेक्शन के रूम में मोहम्मद रिजवान रहेगा, सेफ रहेगा, विकेट कीपिंग से पॉइंट देगा, अच्छे खासे हैं। और इसके बाद देखिए टी वेल रहेगा या टी वेस्टर्न को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, बैलेंस पिच है। तो इसे लेने के बाद मैं अभी फ़िलहाल के लिए टी वेस्टर को ड्रॉप कर कर टी वेलर को रखता हूँ। ये तीन नंबर में बैटिंग आएगा और एक विकेट कीपर रहेगा, एक डर्म कार्ड रहेगा। अब बैट्समैन में आते हैं, बैट्समैन में बाबर आजम अच्छे खासे बैट्समैन के रूप में रहेगा। अब ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं, शताब्दी खान बी वेल अच्छा खासा रहेगा, एन जॉक्सन अच्छा खासा डर्म कार्ड यूनिक रहेगा। आप बॉलर सेक्शन में आ जाते हैं, बॉलर सेक्शन में इंपॉर्टेंट और बॉलर कौन रहेगा ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बॉलर सेक्शन में इंपॉर्टेंट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी यूमरन को रखूँगा, विकेट तो नहीं निकाला लेकिन अच्छे खासे हैं। और आयुषमान, ये तीन बॉलर है जो अभी चौथा बॉलर के रूप में ये बी एस्टर रहेगा। ये चार बॉलर रखे हैं, चार बॉलर रखने के बाद देखिए मैं तीन ऑलराउंडर रखे हैं, तीन ऑलराउंडर रखने के बाद देखिए मैं एक बैट्समैन रखे हैं और दूसरा बैट्समैन के रूप में जो टीम पहले बैटिंग करेगा उसे मैं अपनी टीम में रखूंगा, जिसे आप लोग फोकर जवान से नाम से जानते हैं। दोनों स्ट्रिंग है या एम चैंस, इन दोनों में से मैं एक को रखता हूं, ठीक ठाक रहेगा। अब यहाँ पर मैं नेस्ट करता हूँ, नेस्ट करने के बाद देखिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के बात होता है। अगर आप लोग सेफ कैप्टन देना चाहते हैं तो बाबर आजम रहेगा। अगर मैं जो आज कैप्टनसी के रूप में शाहीन शाह अफरीदी को मैं कैप्टन दूंगा, भले इस टीम के खिलाफ नहीं हुआ, मैं थोड़ा यूनिक कैप्टन दूंगा और कैप्टन के रूप में इसे और वाइस कैप्टन के रूप में बाबर आजम को दूंगा या मोहम्मद रिजवान को दूँगा। बाबर आजम को मैं देता हूँ, सेफ टीम करता हूँ। सेफ टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहता है। मेरा टीम का परव्यू फिलहाल के लिए इस तरह से रहेगा, इस तरह से मेरा टीम का परव्यू रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।